हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक चैलेंज वीडियो लेकर आई हूँ, गोलगप्पा ईटिंग चैलेंज। ये टोटल 50 गोलगप्पा हैं और ये रहा इनका पानी। ढेर सारा पानी है मेरे पास में। जैसे जैसे ये गोलगप्पों का पहाड़ नीचे जाता जाएगा, पानी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और इन सब में मैंने मसाला डाल दिया है, और पानी को और स्पाइसी करने के लिए ग्रीन चटनी है मेरे पास, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी मैंने डाला ऊपर से। तो ये मैं डाल रही हूँ, हाफ डाल देते हैं यार, वरना बहुत स्पाइसी हो जाएगा, खाया भी नहीं जाएगा। मैंने स्पाइसी पानी ही लिया है, इस मीठा पानी लिया ही नहीं है। चलिए खाना शुरू करते हैं। बिग वन। मुझे छींक आने वाली, पर वो रुक रही है। सॉरी राम, ये मसाले के स्पाइसी पानी है ना, इस वजह से छींक आई है। मेरा फेवरेट स्ट्रीट फूड है पानी पूरी गोलगप्पे के, बट मुझे लगता है आज मेरे पे भारी पड़ने वाला है। दिल्ली में काफी दिनों से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से ना जितने ये क्रिस्पी होते हैं उतने नहीं हो रहे हैं आज। फिर भी टेस्टी काफी है, तो एक क्रंच आता है ना, वो नहीं आ पा रहा। या फिर जब मैंने इनको मसाला भरने के लिए फोड़ा था ना, तब क्रंची हो रहे थे, पर सारा सेटअप करने में ना उसमें भी थोड़े सौगी हो गए, और बारिश की वजह से थोड़े थे ही।
पता नहीं फोकस हुआ होगा भी या नहीं। हाँ, जिनके ऊपर मिर्ची डली है वो बहुत ज्यादा स्पाइसी हो रहे हैं। एक तो पानी पहले से स्पाइसी था। क्या लगता है कितने खा लिए मैंने? क्या मैं इनको खा पाऊंगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो अभी, क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद तो पता चल ही जाएगा। जब मसाला भरा था तब तो नहीं फूट रहे थे, अब क्या हो रहा है इनमें? अरे मैं इसमें मसाला भरना भूल गई, एक रह गया। रह कैसे देती हूँ, ये प्लेट है ना आलू और छोले। गले में लगकर बहुत गलती हो गई और प्रॉब्लम हो रही है खाने में, क्योंकि गले में लग गया ना वो पानी, वहीं लगे जा रहा है बार बार। मैंने खा लिया है 32, 33। हाँ, 35 गोलगप्पे खा चुकी हूँ मैं। ये भी मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, लाइफ में कभी नहीं खाए, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 35 गोलगप्पे खा जाऊंगी एक सिटिंग में। ये बच गया, ये मम्मी खाएंगी, भाई खाएगा। मेरे लिए तो बहुत टफ था ये, जबकि मैं वीडियो शूट करने के लिए पूरा 2 दिन भूखा रहती हूँ और सिर्फ हनी लेमन वाटर, मतलब भूखा मतलब कुछ बाहर का नहीं खाती, अनहेल्दी नहीं खाती, सिर्फ वीडियो शूट करती हूँ उसी दिन खाती हूँ। ये हेल्थ पर भी ध्यान देना है भाई, ये फूड प्यार है मानते हैं, पर बहुत सालों तक अगर खाना है अपना पसंदीदा खाना
तो थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा। मैं भी क्या ज्ञान देने लग गई हूँ। तो फूडीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, अब तो वीडियो देख रहे हैं थोड़े थोड़े लोग, तो मुझे खुशी हो रही है। लेकिन सब्सक्राइब भी किया करो यार, चैनल को देख के चले जाते हो। मैं आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। ओके बाय बाय। तो फूडीज, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरी वीडियो में जो भी खाना बच जाता है वो वेस्ट कभी नहीं होता, तो ये मम्मी यहीं पे बैठ के खाने लगी, तो मैंने सोचा इनको शूट कर लूं। कैसे हैं मम्मी? बारिश के सीजन की वजह से थोड़े सील गए हैं ना। पानी बड़ा अच्छा है, पानी का पानी बहुत टेस्टी है। जो भी जसोला, शाहीन बाग, सरिता विहार इस एरिया में रहता हो, तो पॉकेट 11 में लगाते हैं, मदर डेयरी के आगे एक स्टॉल है, ये बहुत सही गोलगप्पे और बर्गर भी बहुत टेस्टी देते हैं, एकदम बनालू टिक्की स्ट्रीट फूड वाला।